हाँ तो दोस्तों, बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित, मुंबई पुणे से, और आज हम बात कर रहे हैं बेगम जान मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जहाँ फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बेगम जान मूवी ने फिल्लौरी मूवी की अगर हम बात करेंगे तो अनुष्का शर्मा की वो मूवी थी और इसके बाद आई बेगम जान, तो दोनों के कंपैरिजन में अब देखने वाले हैं कि बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बेगम जान मूवी की। तो उसके फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है 3 करोड़ 94 लाख का कलेक्शन बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेगम जान मूवी आने वाले टाइम में क्या फिल्लौरी मूवी के कलेक्शन को तोड़ देगी? आपको क्या लगता है, अनुष्का शर्मा आगे होंगी या विद्या बालन? क्योंकि विद्या बालन की और भी मूवीज लोगों ने देखी हैं और बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें उनकी एक्टिंग की, तो एक्टिंग के मामले में सबसे ज्यादा विद्या बालन ने सराहा है लोगों को। अगर हम इसके बाद अगर वही बात करें फिल्लौरी मूवी की, तो फिल्लौरी मूवी भी बहुत ही अच्छी थी और अच्छी खासी स्क्रीन मिली थी, लेकिन पंजाबी मूवी के हिसाब से 1100 स्क्रीन कम कही जा सकती थी। तो अगर विद्या बालन की इस मूवी की बात करें तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि ये मूवी सैटरडे और संडे में कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेगम जान मूवी अब आने वाले टाइम में कितना टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, या सेकेंड या थर्ड डे में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, ये आप हमें बताइए कमेंट पे। और हमसे जुड़े रहने के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। और अगर हम आपको बॉलीवुड चलोगे में अगर बात करें बेगम जान मूवी के सेकेंड डे में, तो सबसे पहले हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड चलोगे में सेकेंड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके। तो दोस्तों, हमसे लगे रहो और सब्सक्राइब मारो।